क्योंकि हर्ष भैया खुद ही नेपोटिज्म का बहुत बड़े एग्जाम्पल है। हाँ भाई, हर्ष भैया सीधा पार्टी बदल लेते हैं और जनता को चुतिया बनाते हैं। भाई ऐसा मत करो यार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर इस वीडियो को डिसलाइक कर दिया है। वेल डन। नहीं मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम लोग कौन सा गांजा फूंकते हो कि वीडियो को तो पूरा देखा नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो को डिसलाइक कर दिया। अरे तो यार पहले वीडियो को पूरा देख लेते, बाद में डिसाइड कर लेते कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, डिसलाइक करना है, जो भी करना करो। अच्छा तुमको सिखा दिया है। और जिन लोगों ने भी इस वीडियो को बिना पूरा देखे इस वीडियो को डिसलाइक कर दिया है उनको जनता माफ नहीं करेगी। देना आ जाते अपनी वीडियो के टॉपिक पर। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हाल ही में जो है कुछ ही महीनों पहले हर्ष बेनीवाल की एक नई वीडियो आई थी जिसका नाम था हु किल्ड जेसिका पार्ट 1। और अब गाइस कुछ ही देर पहले जो है हर्ष बेनीवाल की एक और नई वीडियो आ चुकी है जिसका नाम है हु किल्ड जेसिका पार्ट 2। तो गाइस हर्ष बेनीवाल की दोनों वीडियो जो है एकदम कमाल की और सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए जिनको दूसरों के अंदर बिना बात के कमी निकालने की कुछ आदत सी पड़ गई है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ उन फनी मिस्टेक चैनल के बारे में जो कि दूसरों की मेहनत की वीडियो के अंदर बिना बात के मिस्टेक निकालकर अपनी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज ले लेते हैं और यूट्यूब से बिना फालतू का मोटा पैसा छाप लेते हैं। नहीं मतलब यार किसी बात की कोई हद होती है? ये लोग जो है अपनी वीडियो पर से थोड़े से व्यूज पाने के लिए बिना किसी लॉजिक पॉइंट के बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो के अंदर कुछ भी मिस्टेक निकाल के दिखा देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी इस वीडियो को देखो, नहीं मतलब यार इन लोगों ने जो है हर्ष बेनीवाल की वीडियो के अंदर भी कोई ना कोई कमी निकाल के दिखा दी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फनी मिस्टेक इन हु किल्ड जेसिका। कुछ भी। तो गाइस ये तो बहुत कमाल के बंदे हैं। हर्ष बेनीवाल की वीडियो को जो है लाखों करोड़ों से ज्यादा लोग देखते हैं लेकिन उनको कोई मिस्टेक नहीं मिली, लेकिन इन लोगों को जो है हर्ष बेनीवाल की वीडियो के अंदर भी कोई ना कोई मिस्टेक मिल गई। तो गाइस आइए देख लेते हैं कि आखिरकार इसने जो है हर्ष बेनीवाल की वीडियो के अंदर क्या बिना फालतू की मिस्टेक बताई है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले मिस्टेक की तरफ, मतलब चलते हैं उस सीन की तरफ जहां पर हर्ष बेनीवाल देखते हैं कि जेसिका का खून हो चुका है और वो बेड पर है। तो अभी इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि जेसिका के मुंह से कितना ज्यादा झाग आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगला सीन आता है वहां पर झाग कुछ कम हो जाता है। कोई सेंसेस बात? अरे वाह भाई, तूने तो हर्ष बेनीवाल की वीडियो के अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक निकाल के दे दी। भाई तू मुझे एक बात बता कि तेरे अंदर थोड़ी बहुत अकल है या नहीं? नहीं। अरे तो भाई एक सिंपल सी बात है कि जेसिका के मुंह से झाग आ रहा है, जब तक दूसरा सीन शुरू हुआ होगा तब तक जो है उसके मुंह से झाग निकल चुका होगा, तो इसीलिए जेसिका के मुंह में झाग कम हो गया। एंड अभी चलिए चलते हैं उस सीन की तरफ जहां पर हर्ष बेनीवाल जेसिका के रूम में आ रहे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हर्ष बेनीवाल गुस्से से आ रहे होते हैं, उन्होंने एक आधा ईट उठाया है। तो वहां पर आप लोग देखोगे तो हर्ष बेनीवाल का पॉकेट जो है वो आधा अंदर है एंड उसी पॉकेट में उन्होंने अपना मोबाइल भी रखा हुआ है। जब हर्ष बेनीवाल पुलिस को कॉल लगा रहे होते हैं उस समय आप लोग देख सकते हो हर्ष बेनीवाल का पॉकेट पूरी तरीके से ऊपर है एंड ये दोनों सीन के बीच में एक भी ऐसा सीन नहीं था जिसमें हर्ष बेनीवाल ने अपना पॉकेट ऊपर किया हो। अरे तो बालक बुद्धि, दूसरों के अंदर बिना बात के मिस्टेक निकालने से पहले ना थोड़ा बहुत तू माइंड यूज कर लेगा। तूने बोला कि हर्ष बेनीवाल की जेब जो है अंदर घुसी हुई है और उसमें जो है फोन भी रखा हुआ है, और तूने कहा कि जैसे ही दूसरा सीन शुरू हुआ तो उसमें जो है हर्ष बेनीवाल की जेब जो है ऊपर आ चुकी थी। अरे तो बालक बुद्धि पहले तू ये देख ले कि उसके अंदर फोन भी रखा हुआ था, तो हो सकता है कि जब हर्ष बेनीवाल ने जेब से फोन निकाला होगा तो उनकी जेब ऊपर हो चुकी होगी। और भाई सही बता रहा हूँ, जिस तरीके से तूने अपनी वीडियो के अंदर हर्ष बेनीवाल की वीडियो में बिना बात की मिस्टेक निकाल के दिखाई है ना, तेरी इस बकवास वीडियो को देखकर ना मुंह से बस एक ही बात निकलती है और वो है ये एंड अभी चलिए चलते हैं चौथे मिस्टेक की तरफ जहाँ पर ये दोनों कुर्सी पर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो हर्ष बेनीवाल के पैर में कोई भी सैंडल नहीं है, लेकिन अगले सीन में जब हर्ष बेनीवाल उस गैस वाले को पकड़ते हैं तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो उनके पैर में वापस से सैंडल आ चुका है। अरे तो भाई ये भी कुछ बात हुई कि एक सीन में हर्ष बेनीवाल के पैर में कुछ भी नहीं है तो दूसरे सीन में हर्ष बेनीवाल के पैर में सैंडल आ गए। अरे भाई उनके पैर में सैंडल हो या ना हो लेकिन उनकी वीडियो तो मजेदार है ना, और सभी लोगों को वीडियो तो काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है ना। लेकिन इन सब चीजों से तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो अपनी वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज चाहिए, बिना कुछ मेहनत की यूट्यूब से बिना फालतू का पैसा चाहिए, और ये सब पाने के लिए तो तुम अपनी वीडियो के अंदर किसी भी बड़े यूट्यूबर्स को बिना फालतू के कुछ भी कह दोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अरे तो भाई दूसरों को बोलना तो बहुत आसान है लेकिन वही काम जब खुद करते हैं ना जब पता चलता है कि आखिरकार काम करने में कितनी मेहनत लगती है। भाई नहीं मतलब तुम एक बार भी सोचते हो कि हर्ष बेनीवाल या फिर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपनी वीडियो को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? पर क्या करें यार, तुम जैसे लोग ऐसी बकवास वीडियो बनाकर उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हो। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? तो पूरब झा जब वो बेहोशी वाली दवा रुमाल पर छिड़क रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है वो ढक्कन खोल कर ही डालेंगे। वो ढक्कन खोल कर दवा डाल रहे होते हैं रुमाल पर, लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनकी वो सीसी बंद है। आप लोग देख सकते हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे तो बस कर भाई, हर्ष बेनवाल की वीडियो के अंदर और कितनी बिना बात के मिस्टेक निकालेगा भाई। तेरे अंदर दिमाग नहीं है तो इसमें हम क्या करें यार। एक सिंपल सी लॉजिक से बात है कि इस बंदे ने जो है इस रुमाल पे दवाई छिड़की होगी, और जब तक दूसरा सीन शुरू हुआ होगा तब तक जो है इस बंदे ने रुमाल पर दवाई छिड़कने के बाद जो है इस दवाई की शीशी को ढक्कन से बंद कर दिया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और गाइस आप सभी को बता दूं कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से जो है बहुत से यूट्यूबर ने हर्ष बेनवाल की वीडियो के अंदर बिना बात के ऐसी बकवास मिस्टेक निकालकर अपनी वीडियो पर जो है हजारों की संख्या में व्यूज ले लिए। साले मजाक बना के रखते। और इन मिस्टेक चैनल वालों की ना एक खास बात जरूर होती है कि सबकी वीडियो एक ही जैसी होती है। तो जैसा कि आप सभी अब दूसरी मिस्टेक वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर्ष बेनवाल भाई साहब कुर्सी पर नंगे बैठे हैं पांव से। आपने क्या सोचा? चलिए छोड़िए। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हर्ष बेनवाल साहब नंगे पैर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही दूध वाला आता है तो उसके साथ लड़ाई करते हैं, तो हर्ष भाई साहब के पैर में अचानक से सैंडल आ जाते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे तो गाइस मैं तो ये सोच रहा था कि जिस बंदे ने पहली वीडियो बनाई है उसके अंदर जो है थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस बंदे ने दूसरी वीडियो बनाई है उसके अंदर भी बिल्कुल दिमाग नहीं है। मतलब यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन दोनों की वीडियो की सुई जो है हर्ष बेनवाल की सैंडल पर अटकी हुई है। अरे यार वो सैंडल पहने अपनी वीडियो के अंदर या ना पहने, तुम्हें इससे क्या मतलब है? और भाई सही बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने यूट्यूब पर ऐसी बकवास वीडियो बनाना बंद नहीं किया ना तो एक ना एक दिन हर्ष बेनवाल की यही सैंडल जो है तुम्हारे मुंह पर आके लगेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर्ष भाई साहब के हाथ में एक चाकू होता है, और जैसे ही वो हाथ को पीछे करते हैं चाकू गायब हो गया। और जैसे ही सीन को थोड़ा सा आगे किया जाता है ये चाकू भाई साहब के पास कैसे चला जाता है? गजब बेइज्जती। अरे तो गाइस मैं इतनी बेकार सी मिस्टेक देख देख कर ना पक चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। नहीं मतलब यार मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बंदे का भी दिमाग जो है पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि यार चाकू हवा में तोड़ के जाएगा नहीं। इसने बोला है कि इस बंदे के पास जो है चाकू कैसे आ गया, तो यार एक सिंपल सी बात है कि हो सकता है कि हर्ष बेनवाल के पीछे से चाकू जो है इस बंदे ने चुरा लिया हो। और अब दोस्तों मैं आप सभी को मिलाने वाला हूँ एक ऐसे अनोखे बंदे से जिसकी बातों को सुनकर आपका भी मेरी तरह दिमाग खराब हो जाएगा। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जब दिमाग खराब हो जाएगा तो हमें नहीं मिलना उस बंदे से, लेकिन यार क्या करूं, उस बंदे को तुमसे मिलाए बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना भाई। नेपोटिज्म तो तुम लोग जानते ही होगे, नेपोटिज्म कौन नहीं जानता, और ऊपर से तुम लोग तो हर्ष बेनवाल के फैंस हो तो तुम लोग नेपोटिज्म का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। चुप, बिल्कुल चुप। तो दोस्तों देख रहे हो आप सभी ये बंदा कैसी बात कर रहा है। नहीं मतलब यार ये बोलता ऐसा रहा है जैसे कि हर्ष बेनवाल अपनी हर वीडियो के अंदर हम सभी को जो है नेपोटिज्म का पाठ पढ़ाते हो। क्योंकि हर्ष भैया खुद ही नेपोटिज्म का बहुत बड़े एग्जांपल है। तुम लोगों को प्रूफ चाहिए क्या? क्या यार छोड़ो ना, हर बार तुम लोगों को प्रूफ दिखाना ही पड़ता है। अरे तो भाई तूने क्या कहा कि हर्ष बेनवाल जो है नेपोटिज्म का पालन करते हैं, तो भाई मुझे तो एक बात बता कि आखिरकार तुझे ऐसी शिक्षा देता कौन है? I don't know. और गाइस देख लेते हैं कि आखिरकार इस बंदे ने नेपोटिज्म के लिए क्या प्रूफ दिखाया। तो जैसे तुम लोगों को पता होगा कि एक बार हर्ष बेनवाल अपने पूरे फैमिली के साथ दुबई में घूमने गए थे, तो वहाँ पे घुमा फिरा और ब्लॉग शूट किया। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉग शूट किया गया था वो हर्ष बेनवाल भाई अपने चैनल में भी तो मतलब अपलोड कर सकते थे ना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे तो भाई हर्ष बेनवाल और उनकी फैमिली का व्लॉग था, उनका अपना व्लॉग था, तो उनकी अपनी मर्जी है कि वो अपने व्लॉग को किसी भी चैनल पर अपलोड करे। तो भाई तू इन सब बातों को लेकर अपना और लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रहा है? यही नहीं अभी और सुनिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, उनको तो अपने बहन को प्रमोट करना है, उनका बहन को भी भाई मतलब सब्सक्राइबर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बहन के चैनल पे वो ब्लॉग अपलोड कर दिया। ब्लॉग देखना है दुबई वाला, तो वो आ चुका है यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे नहीं, मेरी बहन के चैनल, बहन के साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अरे तो भाई तू हर्ष बेनवाल की वीडियो को बार बार रिपीट करवा के साबित क्या करना चाहता? अगर हर्ष बेनवाल ने व्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड ना करके अपनी बहन के चैनल पर अपलोड कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तुझे लग रहा है कि ये जो है नेपोटिज्म है। मेरा भी कोई बहन होता तो मैं भी प्रमोट करता, लेकिन बात सिर्फ यहाँ प्रमोट करने की नहीं है, यहाँ बात है पार्टी बदलने की। तो गाइस सुना आप सभी ने इस बंदे की बकवास बातों को। नहीं मतलब यार अगर इसकी खुद की बहन होती तो ये जो है अपना व्लॉग अपने बहन के चैनल पर अपलोड करता, और अगर यही काम जो है हर्ष बेनवाल ने कर दिया तो ये काम हर्ष बेनवाल ने बिल्कुल गलत कर दिया।
हाँ भाई हर्ष भैया सीधा पार्टी बदल लेते हैं और जनता को चूतिया बनाते हैं भाई, ऐसा मत करो यार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भाई तुझे एक सही बात बताऊं ना, हर्ष बेनीवाल का तो पता नहीं लेकिन तुम जैसे लोग जो है लोगों का बहुत बेवकूफ बनाते हो। मतलब यार तूने अपनी वीडियो के थंबनेल पे तो लिखा था कि हर्ष बेनीवाल की नई वीडियो को तूने जो है रोस्ट किया, लेकिन तूने तो अपनी वीडियो के अंदर हर्ष बेनीवाल की वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि तू तो अपनी वीडियो के अंदर और ही कुछ राम कहानी सुना रहा है। तो गाइस ये लोग तो अपनी वीडियो के अंदर रियल में लोगों का बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो गाइस आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को पहले लाइक कर देना, चैनल पे ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।